मौत के बाद सिमरिया में दहशत का माहौल, संदेही ने की आत्महत्या, तो मृतक की पत्नी ने पुलिस पर लगाए आरोप। पिछले सोमवार को सिमरिया थाना अंतर्गत अकौनी निवासी युवक रजोल कोल का शव लटका हुआ मिला था। प्रारंभिक जांच में मृत्यु के पूर्व युवक रजोल गांव के ही अन्य युवकों के साथ मुर्गा खाने रजौली कोल के साथ गया था, जहां मृतक के साथ मारपीट की गई, तो घटना में रजौली कोल का नाम शामिल होने की वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मंगलवार सुबह रजौली गांव में ही अचेत अवस्था में पाया गया था, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। तो वहीं रजौली कोल की मौत के बाद उसकी पत्नी ने रजौली की मौत का जिम्मेदार पुलिस को बताया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति को रात को थाने पूछताछ के लिए ले जाया गया था, और जब वह पति से मिलने थाने जा रही थी तो पति रास्ते में अचेत अवस्था में मिला। सिमरिया में दो दिनों में दो युवकों की मौत से गांव में दहशत का माहौल है। तो वहीं रजौली कोल की मौत के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचकर अस्पताल चौकी पर धरना प्रदर्शन किया और मृतक की पत्नी के लगाए गए आरोपों पर सिमरिया पुलिस के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। ये गरीब है, इसके पास जमानत के लिए 302 के लिए पैसे नहीं है, इसलिए इतना बड़ा कदम आप लोग के दबाव में उसने उठा लिया। ये जो कदम उठाया इसके लिए 100% प्रशासन और वहाँ का जो सिमरिया के जो भी लोग रहे होंगे, जो इनके घर गए बुलाने गए, जो भी दोषी हैं उनकी वजह से ये प्रशासन कौन सा काम कर रहा है। प्रशासन सामंजस्य बनाने का काम कर रहा है, सामंजस्य बिगाड़ने का काम। ये कल रात की घटना, अभी हम पापा मैं तो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में रीवा सिटी का शहर का अध्यक्ष हूँ। मैं रीवा की जो भी जिले की भी जो समस्या होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अवगत करा। हमें ऐसी खबर आई वहाँ से कि जनपद अध्यक्ष जी ने ऐसे ऐसा मुकदमा राज को दर्ज कराया। भाई अब अभी मामला शांत नहीं हुआ, अभी राग फूल नहीं उठा। ये मुकदमा दर्ज जैसी अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं इस तरह की अफवाह की फूल उड़वाई हो सकता है ना दर्ज हुआ, अफवाह उड़ाई गई। जनपद अध्यक्ष जी जब थाने पहुंच रहे हैं, जब 17-5 किलो पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि गलती हम लोगों ने की तो उंगली उन्हीं के ऊपर उठेगी। ये कल की घटना है अलग डिविजन। अभी मुझे कुंवर सिंह जी ने इसकी कौन सी जानकारी, सिमरिया में दो दिन पहले हमारे एक आदिवासी समाज के भाई रजोल को पुलिस की प्रताड़ना के कारण और वहाँ के लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने, आवेदन दिए जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने की वजह से रजोल जो है लटका हुआ पेड़ मिला और लटकाया गया था, अपने स्वेच्छा से नहीं लटका था, उसको लटका दिया। और बेटी के साथ पुलिस द्वारा ने बदतमीजी भी की, ऐसा आप नहीं? अभी तो मैं देखो कल से था, मैं जब से ये सूचना मिली तब से मैं अकौनी गांव में था जी। मुख्य रूप से उसमें अपराधी जो है TI है, इसलिए कि रजोले इनका कहना है, रजोले ने बयान दिया है 12 बजे रिपोर्ट किया कि हमें वो TI को तो आप लोगों ने प्रयास किया वो बाहर हो गए खाने से, बाहर तो हो गया जी। लेकिन अगर TI की लापरवाही न होती जी तो ना तो रजोले की हत्या होती और ना चिरौंदी लाल झारखा जी। दोनों अपराध का मुलजिम TI जी, दोनों अपराध का मुलजिम TI। और रात को जो कल चार पुलिस वाले इनके घर ले, इनके घर रात को 4 बजे जाना, के बात में और पुलिस के बात में अंतर है, इसलिए कि पुलिस वालों का कहना है कि हमको चिरौंदी लाल मिला ही, हमको चिरौंजी लाल मिला ही, अपना बता रहे हैं कि 4 बजे पुलिस पकड़ ले गई, सवेरे 2 बजे रात को चार जाने आए थे, 2 बजे लगे हमारे लगे पुलिस लेते रहे हैं, बोले हैं कहीं आए हैं के नाम लेके बोला है, हर आदमी गए पुलिस वाले ले आए हैं तो हमसे बोले हम ले जा रहे हैं, हम ये काम नहीं किए हैं, हमको ले जा रहे हैं इतना दूर के लिए। फिर क्या हुआ? फिर हमें अब 11 बजे दिन गए हैं, बच्चे का कान लाला अरे घर में रहे, हम जाए थे पापा का ढूंढ रहे, लगे थाने तो थाने हम जाब, और जब थाने का चलन तो थाने से ऐसे बगीचा में पड़े रहा तो दौड़ के उठाया। थाना से बगीचा कितनी दूर है? दूरी ऐसे थोड़ा दूर है तो उठाया, फिर बोले दुआ चार कहीं ना आए गाने थाने से, हम दवाई थाने से पी के आए, थाना से पी के आए, दवाई घर से लेके गए थे क्या? घर से लेके नहीं गए रहे हैं, आए घर से, अब जहाँ पाई हो दवाई के मैं तो कहीं थाने से पी लिया ना थाने में,
दबाव बस मैं खूब अड़काई कहीं तो साल बना जमानत न हुई थाने में पीली है। जो पुलिस घर लेने आई थी तो आप पहचानते उनको? पहचानते तो नहीं सर, मुँह बाधे रही पुलिस आए हमारे बच्ची का अड़काई हमको जब हम चले आने इसका ढूंढने तो हमारे बच्ची को ले गई से उनको बच्चे उनको ले गई थाने फिर ले गई। आपके पति को लेने कितने पुलिस वाले आए थे? चार पुलिस। आपके बच्चों को ही पुलिस वाले ले गए थे? सुबह दिन में 11 बजे ले गए। 11 बजे पुलिस वाले बच्चे को ले गए? बच्ची का हमारे बच्चे को, बच्ची हमारे से आन रही सर इतना रोती रही न ले जाओ उनको थाने बहुत डर लगती है फिर ले गए। तब हॉस्पिटल कौन लाया उन्हें? हॉस्पिटल था पुलिस ले आई हम फिर पुलिस का नहीं फिर फोन किया पुलिस ले आई हॉस्पिटल बगीचा से हॉस्पिटल लाई बोली दो अक्षर बोले हैं कहीं हम जा थाने के अंदर पी गए दबा बस।